जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज का ये विशेष लाइव मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है, तो सोचा कि आपसे भी रूबरू हो लिया जाए, बात कर ली जाए, और इसीलिए मैंने फिर ये आज का लाइव रखा कि आपसे मैं अपनी मन की बात कह सकूं, जो मैं सोचता हूं, जो मेरे मन में चल रहा है, इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से अपनी बात रख सकूं, जो लोग देश में दुनिया मुझे सुनते हैं उनसे अपनी बात रख सकूं। मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी बात को शुरू करते हुए सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। जब मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं तो मुझे कहते हैं कि आप महान पुरुषों का नाम क्यों लेते हैं, बहुत समय जाता है, आप नाम लेते हैं महामना रामचू वर्मा का, आप नाम लेते हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, जननायक कर्पूरी ठाकुर का, बाबू शिवदयाल चौरसिया का, आप नाम लेते हैं चौधरी चरण सिंह जी का, कोतवाल धन सिंह गुर्जर का, संतराम बी प्रजापति जी का, और तो कोई लेता नहीं। तो मैं सोचता हूं कि उनमें उनकी समझ है, मेरे में मेरी समझ है, तो मैं इन महापुरुषों के नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि इनमें से एक भी अपने लिए नहीं जिया, ये सब लोग हमारे लिए जिए, और आज हम पे जो कुछ है, मैं बड़े शोर से कहूं कि वो मैंने दिया है। जैसे आज नौजवान बोलता है, अपनी आवाज उठाता है, एसएसपी से, एसपी से, डीएम से, एडीएम से, एसडीएम से, तहसीलदार से, कानूनगो से, पटवारी सेक्रेटरी से, एसडीओ से, एक्शन से, थाना अध्यक्ष सीईओ से, एसपी से आंख मिला के बात करता है। ये मेरी वजह से नहीं हुआ है। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान भीम आर्मी, भारत एकता मिशन संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय कमेटी की पूरी टीम और सामान्य जो अंतिम कार्यकर्ता है उसका भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उनके योगदान की वजह से आसान हुआ है, इस बात को मैं मानता हूं। मैं इसका कोई शरण नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे महान पुरुषों का भी है, बाबा साहब अम्बेडकर का भी है, ज्योतिबा फुले जी का भी है, महा सावित्रीबाई फुले का भी है, छत्रपति साहू जी महाराज का भी है, दीनामाना वाल्मीकि जी का भी है, संत गाडगे जी महाराज नारायण गुरु का भी है, माननीय काशीराम साहब का, बहन जी का भी। हम तो इस मिशन के नखून के बराबर के सिपाही, अपने जीवन को मिशन के नाम किया है, कोशिश कर रहे हैं कि जीते जी महापुरुषों के कारवा को मंजिल तक पहुंचा कर दिखा पाए। मैं अपनी बात को बड़ी गंभीरता से इसलिए कहता हूं कि जब मैं इस बार गया था ऑस्ट्रिया और इटली, तो मैंने देखा कि वहां की माएं, बहने, मेरा जो परिवार वहां रहता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे देखने को तरसता है, मुझे गले लगाने को, जैसे मैंने उन्हीं की पेट से जन्म लिया हो, मेरे सर पे हाथ रखते हैं। जब मैं गांव में यहां भी जाता हूं, मैं वहां की बात इसलिए कर रहा हूं कि बहुत दूर रहते हैं, मैंने उनको कभी देखा नहीं, लेकिन वो मुझसे कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के आपकी सारे स्पीच सुनते हैं, आपका फेसबुक लाइव सुनते हैं, आपके जो एक्शंस को देखते हैं, भीम आर्मी के काम को देखते हैं। तो फिर अपनी बात को बहुत जिम्मेदारी से रखना होता है। कई बार आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ करके दिखाएं, वो अनुशासित हों, वो समर्पित हों, वो संघर्षशील हों, वो समय दें, वो धन खर्च करें, तो उससे पहले आपको ये अपने आप के ऊपर लागू करना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं और कर रहे हैं, तभी आप दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोग साथियों को बड़ी शिकायत होगी कि मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं। जनवरी से मैं वहां जाऊंगा,
अभी क्योंकि हरियाणा चुनाव खत्म हुआ, उससे पहले पार्लियामेंट का सेशन था, फिर मैं बीच में वैसे मैं जाता रहता हूँ, अभी भी गया था 3 दिन, लोगों की समस्या को सुनता हूँ बैठ के, उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। एक गांव में गया, वहाँ 2-3 लोगों की जान गई थी एक हफ्ते के अंदर, एक परिवार के 3 बेटे थे। तभी अधिकारियों से बात करके अगले दिन वहाँ मेडिकल कैंप लगवाया, वहाँ के पानी की जांच कराई, वहाँ तमाम जो है मेडिसिन और जो भी जो है उस तरह का छिड़काव करवा सकता था वो करवाया। एक स्कूल में गया वहीं तत्काल, उसकी बिल्डिंग बहुत खराब थी, जल मुख्यमंत्री को पत्र लिख के अवगत कराऊंगा कि वो देखें, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स खराब हैं, गरीबों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बारिश में वो चूती हैं, किस दिन गिर जाएंगी तो बच्चों को नुकसान हो जाएगा, किसी गरीब के बच्चे की जान चली जाएगी, अमीर के नहीं है सब गरीबों के। तो अभी जनवरी में वहां ज्यादा समय दूंगा, गांव गांव जाऊंगा, उनके दुख सुख को सुनूंगा, जितनी हिम्मत है उसमें कोशिश करूंगा उनका सहारा बनने का। लेकिन यहां जब रहता हूं तो उन्हीं के लिए प्रयास करता हूं कि वहां रोजगार के साधन कैसे आए, महिलाओं को रोजगार कैसे मिले, किस तरह से वहां की समस्याओं का हल हो, सब प्रयास करता हूं, सीखता हूं और कोशिश करता हूं कि वहां मेरे पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार मिले जिन्होंने मेहनत की है, जो जिनके माँ बाप उम्मीद करके बैठे हैं, वहां की बहनें हैं माएँ हैं उनको रोजगार मिले, वहाँ की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो, लगातार कोशिश करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा मेरे ऊपर भारी होता है, एक नेता इस बात को कभी कहता नहीं है क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत, उसको किसी चीज का भय नहीं है, उसको किसी चीज का से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं, हम इंसान हमें फर्क पड़ता है। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, मेरे लिए थोड़ा सा कठिन समय, मेरे पिताजी मेरे सुपरमैन थे, मेरे हीरो थे, हर पिता अपने बेटे का सुपरमैन होता है, हीरो होता है, कैसे कि वो कोई भी समस्या उनको बता दे वो पूरी हो जाती है, और वो कैसे पूरी करते हैं ये तो वो ही जानते हैं, सुपरमैन ही जानता है, आपका हीरो ही जानता है कि वो कैसे करता है। तो मेरे पिता मेरे हीरो थे, मैं उनका अंश हूं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज उनका जन्मदिन है तो मुझे उनकी याद आती है, मैं उनको कोई बहुत सुख नहीं दे पाया क्योंकि संघर्ष के दौर में था, जब उनकी जब फादर्स डे आता है उस दिन मैं लिखता हूं, मगर उस दिन मुझे बहुत वो नहीं होता, लेकिन जिस दिन उनकी पुण्यतिथि आती है 11 जनवरी, उस दिन भी मैं बड़ी तकलीफ में होता हूँ। ये 2 दिन मेरी लाइफ के बड़े कठिन दिन होते हैं। मैं चंद्रशेखर, मेरे साथी मुझे सुन रहे होंगे, हमारे नेता तमाम सब लोग संगठन पार्टी जुड़े हुए, मैं समझता हूं जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है, वो कठिन है, क्योंकि उसमें खुद को मिटाना पड़ता है, लोगों की उम्मीदों पे आशाओं पे खरे उतरना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा काम कर सकूं, लेकिन शरीर है, सीमाएं हैं, फिर भी पालन करता हूं। अभी मैं हरियाणा का चुनाव खत्म करके आया, अब उपचुनाव आ गए हैं, यूपी में 8 सीटों पे उपचुनाव, सभी जगह नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा समय देने की कोशिश करूंगा। झारखंड में पार्टी के लोगों ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया, वो लोग लड़ रहे हैं, वहां भी जाऊंगा समय देने। महाराष्ट्र में कुछ साथी लड़ रहे हैं, राजस्थान के साथियों के पास नहीं जा पा रहा हूँ, राजस्थान की टीम से अपील करता हूँ, वो खुद में चंद्रशेखर बनके, और जो हमेशा मैंने राजस्थान की सेवा की है, कभी राजस्थान को अकेला नहीं छोड़ा, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जो चूक 2023 में हुई थी, हम लोग कई सीटें बहुत थोड़े थोड़े अंतर से हार गए थे, इस बार उपचुनाव में बहुत मेहनत करें और हमारा प्रतिनिधित्व आजाद समाज पार्टी का असेंबली भेजने काम करें, यानी कि हमारे प्रत्याशियों को जिताने में मदद करें। उस तरह मध्य प्रदेश नहीं जा पा रहा हूँ, एक मिशनरी हमारी बहन है लड़ रही है, उनके लिए भी मध्य प्रदेश के साथियों से अपील करता हूँ कि थोड़े थोड़े पैसे जुटा के उसको दें, उसको चुनाव लड़ाएं, जिससे वो इस महंगी राजनीति में सामना कर सके, आगे बढ़ सके, उसके लिए भी संघर्ष करने की अपील करता हूँ। बिहार में नहीं जा पा रहा हूँ, शायद एक सीट पे इमामगंज में हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पार्टी ने फैसला किया वहां की टीम ने, उनके लिए भी अपील करता हूँ जो मुझ में आस्था विश्वास रखते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, उनसे कि वो जाके उनकी मदद कराएं।
झारखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष काशिप साहब लड़ रहे हैं और टीम लड़ रही है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, कई सीटें बहुत मजबूत हैं, वहां उनकी मदद कराने की जाने की कोशिश करूंगा। यूपी में उप चुनाव में भी मैं अपने साथियों से, पश्चिम के साथियों से कहना चाहता हूं, गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर, मैं कम समय दे पाऊंगा लेकिन आप ज्यादा दे सकते हो। आप चाहो तो मेरी तकलीफ को, मेरे भार को थोड़ा सा कम कर सकते हो। आप सब बहादुर हो, आप सब लोगों ने संघर्ष किया है, मैं जो कुछ हूँ आपके आपके आज आपकी वजह से हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप जाके वहाँ मेहनत करें, उन सीटों में जिताने में अपना योगदान दें, और ऐसे फूलपुर, मजवा, खैर, कटहरी, इन पे भी अपना जो है योगदान दें। इसलिए जरूरी है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। जो मौका उत्तर प्रदेश के साथियों पे 2027 में आएगा, वो मौका उपचुनाव में इन विधानसभा सीटों पे आपके पास आ गया है। मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे हक वंचित समाज के बहादुर पहरेदारों, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, आप लोग अपनी बहुत मेहनत लगाओ और मदद, कारण बताता हूं। संविधान में वंचित वर्गों को, महिलाओं को, देश की तमाम हर व्यक्ति के हक अधिकार सुनिश्चित किए हैं, लेकिन लागू कराने के लिए राजनीतिक शक्ति उनके पास होनी चाहिए। आज भी देश रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या से जूझ रहा है, जबकि ये कोई समस्या नहीं है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा ना सोए, कोई बिना छत के ना सोए, कोई प्यासा ना सोए, और किसी को पहनने के लिए कपड़े की दिक्कत ना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, संविधान कहता है। ये इसकी दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए थी भारत में कभी भी, किसी को भी भूखा सो जाए या किसी को मांगना पड़े अपना पेट पालने के लिए, ये नहीं होना चाहिए था कभी। मैं इसकी गारंटी देता हूं, अवसर मिलने में हम साबित करके दिखाएंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा किसी जाति धर्म का। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें, हिस्सेदारी की बात है, जैसे मैंने एक लेटर लिख के कहा है कि यूपी में, मैंने लेटर यूपी का सार्वजनिक किया, लेकिन मैं उनको सभी स्टेट को भेज रहा हूं, सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरियों को। मैं जानना चाहता हूं SC ST प्लस OBC और मुस्लिम्स, जैसे यूपी में SC ST के कितने अधिकारी जो है, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी अभी हैं, जो चार्ज में हैं, कितने मुख्यालयों में अटैच हैं, कितने जो हैं DGP रैंक के, कितने IG रैंक के, ADG रैंक के कर्मचारी जो आपने पोस्टिंग किए हैं, की पोस्ट पे रखे हैं, कितने SP, SSP, CEO, थाना अध्यक्ष, आपने कितने जो रिप्रेजेंटेशन संविधान में उसके अकॉर्डिंग लगाए, ऐसे ही आपने SDM, DM, तहसीलदार, ADM, कमिश्नर कितने आपने लगाए हैं, यही मांग मैंने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से की, और मैं देश भर के सब लोगों से करूंगा, सब चीफ सेक्रेटरी उत्तर स्टेट के, और सेंटर से भी पूछूंगा कि उन्होंने अपने यहाँ क्या किया। मुझे आपने गर्ल शादी ब्याह में बुलाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया है, आपको भरोसा है कि वो अधूरा काम जो महापुरुषों का बच गया उसको चंद्रशेखर आजाद और ये सब साथी मिलकर करेंगे, और मैं भी उसी पे काम कर रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा, रोटी, कपड़ा, मकान सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आज भी देश में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। जब मैं गाँव में जाके पूछता हूँ कि भाई बताओ, महिलाओं ने कभी हेलीकॉप्टर में घूमा है, हवाई जहाज में घूमा है, ट्रेन के AC वाले डब्बे में सफर किया, तो ना मिलती है, 100 में से 1000 में से कहीं एक हाथ उठ जाता है। आगे सरकारी नौकरियां नहीं है, निजीकरण हो रहा है लगातार, प्राइवेट सेक्टर में अभी भी कास्ट के आधार पर भेदभाव है, गरीबों के पास जमीन नहीं है, लोन बैंक उनको देते नहीं है। मैं 10 साल का भविष्य देखता हूं तो चिंतित हो जाता हूं कि क्या होगा। एक एज ए लीडर ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोचूं भविष्य के बारे में, गरीबों का क्या होगा, कमजोर वर्गों का क्या होगा, सोचता हूँ। इसलिए कोशिश करता रहता हूँ
कि सार्थक कोशिश करके सरकारों को मजबूर किया जाए कि वो आपके हक अधिकारों को आप तक पहुंचाएं। जैसे मैंने 29 जुलाई को मांग उठाई कि साहब न्यूनतम वेतन 700 रुपए की करो, तो सरकार ने 11 तारीख के आंदोलन के बाद 783 रुपए किया। जैसे मैंने मांग उठाई कि सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए उत्तर प्रदेश, मैंने पत्र लिखा था, अब नियमितीकरण की कार्रवाई जो है आगे बढ़ रही है। और भी बहुत सारी मांगे मैंने, भोजन माता के लिए, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, मैंने ग्राम चौकीदार के लिए, ग्राम रोजगार सेवक के लिए, मैंने पीआरडी के जवानों के लिए, मैंने होमगार्ड के जवानों के लिए, पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथियों के लिए आवाज उठाई पार्लियामेंट में। जिसकी समस्या मेरे पास आ जाएगी मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। मैंने इन जो कर्मचारी उनके वेतन वृद्धियों की मांग उठाई, नियमितीकरण की आवाज उठाई, ठेकेदारी सुविधा खत्म करने की मांग उठाई, उद्योग धंधे लगाने की मांग उठाई, समस्याओं को खत्म करने की मांग उठाई। जैसे तो अब मैं वापिस आता हूँ, संविधान जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है वो उनको पहुंचाने के लिए राजनीतिक शक्ति जो है तो वो भी हमारे हाथों में है, वरना दूसरों के हाथों में तो बहुत दिनों से, तब भी आपको अभी तक रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो आप समझिए उनके राज में आप कितने आगे बढ़ सकते हैं। आप सोचें, मैं हरियाणा लड़के आया हूँ, हरियाणा से मैंने बहुत कुछ सीखा। अलायंस हुआ, कुछ को अच्छा लगा कुछ को नहीं लगा, लेकिन अलायंस हुआ तो साधन आए कि जो दिन में मैं 4 सभाएं कर पाता था, 2 सभा कर पाता था बड़े एरिया की वजह से, वहां 4 कर पाया। हम पे अपना नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी के सहयोग से, उनके हेलीकॉप्टर से हमने अपने कार्यकर्ताओं की रैलियां की, प्रत्याशियों की रैली की। आप जब अपने दम पे लड़ रहे हैं तो नहीं है हेलीकॉप्टर, कोई बात नहीं, तो पैदल चलेंगे, क्या हो गया, गाड़ी से चलेंगे, टिकट लेके प्लेन का जाएंगे, वहां गाड़ी जाएंगे, क्या हो गया, तो इसमें कौन सा अपमान हो गया, जो हम हैं वो हैं भाई, हमने वो यूज करे साधन हमारे सहयोगी के, तो इसका हम उसके मालिक थोड़ा है, और नहीं मालिक है तो हमें इसमें डरने की जरूरत है। जो हमारी स्थिति है, हमारे समाज की बहुत बुरी स्थिति है, सभी तो उनका नेता क्यों घबराए, जिस समाज को आगे बढ़ाने के लड़ रहे हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, तो हम किस चीज की शर्म करें। यहां तो जो कुछ मिलेगा, हेलीकॉप्टर मिलेगा हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे, बस मिलेगी बस से करेंगे, ट्रेन से जाना पड़ेगा ट्रेन से जाएंगे, साइकिल से भी जाकर प्रचार करना पड़ा अपने सहयोगियों का, साथियों का, उनका मनोबल तो करेंगे, पैदल यात्रा करनी पड़ी पैदल यात्रा करेंगे। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, हम तो महामना राम सु वर्मा जी के, चौधरी महाराज सिंह भारती जी के सिपाही हैं, हम तो सर छोटू राम के सिपाही हैं, हम तो रहबरे आजम आने और काशीराम साहब के सिपाही हैं, हम क्यों घबराएं, हम नहीं घबराएंगे। लेकिन मैं अपने साथियों से उम्मीद करता हूं, जिस ईमानदारी से बहुत बड़े पैमाने पर साथी काम कर रहे हैं, अगर सब लोग इस ईमानदारी से काम करें और संघर्ष की भावना और लक्ष्य पर ध्यान रखें, तो मैं लिख के देता हूं कि आपको कोई नहीं हरा सकता है, अगर आप ठान लो। जब ईगो आती है, अहंकार आता है, निजी सुख सुविधाएं आती हैं, तो दिक्कत होती है। कोशिश तो कर रहे हैं कैडर से ये सब चीजें भी खत्म करें। मैं भीम आर्मी के साथियों से कहूंगा कि जहां चुनाव नहीं है वहां आप युद्ध स्तर पर पाठशालाएं खोलने काम करो, कि एजुकेशन का जो स्तर है उसको संभाला जा सके, हमारा बच्चा पढ़े, बहुजन समाज के बच्चा पढ़ के प्राइवेट स्कूल के बराबर, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके बराबर आके खड़ा हो, उनसे किसी भी कीमत पर पीछे ना रहे। अंग्रेजी पढ़ाओ अपनी पाठशाला, मैथ पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, पढ़ाओ अपनी पाठशाला में, सब संविधान पढ़ाओ अपनी पाठशाला में, कि जब हमारी पाठशाला का बच्चा किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे के सामने खड़ा हो तो इंग्लिश मीडियम वाले की, उसके मास्टर की भी, स्कूल वाले की भी, उसको भी, उस बच्चे को भी एहसास हो कि बीमारी पाठशाला का बहादुर सिपाही प्राइवेट स्कूल की महंगी शिक्षा के सामने भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो सपने देखे हमने सब लोगों ने मिलकर उनको पूरा करने में मदद करा, और जहां चुनाव वो लोग तन मन धन से लगो, एक एक आदमी को जोड़ो, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर, तमाम जातियों को, विश्वकर्मा, सैन, तमाम जातियों को भाईचारा बनाओ, उनको पर्याप्त सम्मान दो। दूसरी पार्टियां तो उनको सिर्फ वोट के आधार पर यूज करती हैं। मुस्लिम भाइयों को आप उनको गले लगाओ, उनके मुद्दों पे लड़ो। कल मैं फतेहपुर जा रहा हूं, कानपुर फतेहपुर कार्यक्रम में बहन प्रिया मौर्य को के परिवार से शायद कल मुलाकात होगी, उनको न्याय दिलाना है, और एक पत्रकार दिलीप सैनी, उनकी हत्या हुई घर में, उसको उनको भी न्याय दिलाना है।
जिसका मामला मेरे सामने आया, अमन सोनकर का मामला आया था, मैं गया था। देखो मगर आपने एक चीज देखी होगी, मैंने वो मामला भी पांडे जो जो थे पांडे भाई जिनके साथ पुलिस की मारपीट होती है, मैंने वो मामला भी उठाया। मेरे यहाँ देवबंद में राजपूत समाज के दो बच्चों की जान चली गई, मैंने मामला भी उठाया क्योंकि मैं इंसान हूं, किसी को अगर दुख तकलीफ होगी तो मैं उस मामले को उठाऊंगा। मैं जाति से ऊपर उठ के, क्योंकि मैं जाति की सच्चाई को मानता हूं, तो मैं अपना काम करूंगा। जैसे ज्ञान बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग अपने काम को आगे बढ़ा रहे। लेकिन आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार को बुलाया, 10 लाख रुपए की मदद की, उस परिवार को गले लगाया, कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमन के परिवार को तो नहीं बुला पाए। देखो लखनऊ में रहता है वो परिवार भी, जो नहीं कह रहा उसको समझने का प्रयास करो। आगरा में वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ 8 साल की कल एक दुर्दंत अपराध हुआ है। हमारी टीम मौके पर थी, उनके परिवार से बातचीत भी करनी थी, मगर क्या कहता उनसे, कैसे न्याय दिलाऊं अपनी बच्चियों को, कैसे उन बहनों को न्याय दिलाऊं जिनके साथ जुर्म हो रहा है। वहां के SSP को फोन करता, IG को फोन करता, DIG को फोन करता, कमिश्नर जो भी वहां था उनको फोन करता, उनसे कहता न्याय करो, कहते ठीक है गिरफ्तारी कर लेते। फिर कोर्ट में वही जिस तरह की वो होती है इन्वेस्टिगेशन, वो किसी छिपी भी नहीं है। कन्वेंशन रेट इस बात की गारंटी देते हैं कि किस तरह से अपराध को किया। तो मैं भी गया था टूर पे SST वेलफेयर कमेटी के, केरल के स्टेट की टीम, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी कमेटी के अध्यक्ष ने बुलाया था, कर्नाटक के बुलाया था कर्नाटक नहीं तेलंगाना के, कर्नाटका, केरल और कर्नाटका दो जगह में शामिल हुआ। वहां के अधिकारी, वहां के चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, DGP सब लोग आए। हम लोगों ने पूछा उनके स्टेट में क्या चल रहा है, जहां हमें लगा कि भाई समस्या, उन पे भी उनसे सवाल किए, उनसे जवाब भी मांगा। ऐसे यहाँ के जो है कर्नाटका के DGP, वहां की चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब लोग आए, उनसे भी बात की, उनसे भी जवाब मांगा, उनके सामने सवाल खड़े कि सवाल किसकी, सरकार किसी की हो, लेफ्ट की हो, राइट की हो, कांग्रेस की हो, BJP की हो, और जिनको मौका मिला आम आदमी, जिसकी भी हो सरकार, अपने लोगों के मामले पे कोई कोई दोस्ती नहीं। जब कमजोर, गरीब, हक वंचित, किसान, मजदूर की सब समस्या का सवाल आएगा, तब कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई संबंध नहीं, सबसे सवाल होंगे और जवाब मांगे जाएंगे। ये लड़ाई हिस्सेदारी की है, मैं किसी दोस्ती संबंध बनाने नहीं बैठा हूं कि ये पार्टी अच्छी है बुरी है, मुझे इनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। मेरा सबके साथ अच्छा व्यवहार है, मैं इंसानियत का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन जो सरकार हमारे लोगों के हक खाने काम करेगी उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। जो हमारे लोग हिस्से का बजट खाने काम करेगी, जो हमारी समाज के कमजोर, हक वंचित, बहुजन समाज के बच्चों को परेशान करने का, उन पर जुल्म करने का प्रयास करेगी। हम अत्या शिक्षक भर्ती में हुआ, तरस गए बच्चे, मेरी बहने, मेरे भाई नौकरी की तलाश में, रो रो के हाथ तुड़वा लिए, पैर तुड़वा लिए, बैठे रहे बारिश में, तो आंधी में, तूफान में। अभी दिवाली पे उन्होंने बेचारों लिख कर रख दिया अत्या शिक्षक भर्ती घोटाला। क्या करें वो लोग बेचारे, यही कर सकते हैं, लेकिन सरकार के देखो आंखें कैसे बंद है, नहीं दिखता उनको दर्द, और वो देखना नहीं चाहते, बताओ क्या करोगे। इसलिए राजनीतिक शक्ति जरूरी है कि जब सब लोग आपके अधिकारों के मामले में आंख बंद कर लें और वो आपका मजाक उड़ाएं, फिर आपको उनसे वो कुर्सियां छीननी चाहिए जिन कुर्सी पर बैठ के आपका मजाक उड़ा रहे। तो मैं आपसे यही अपील करता हूं कि आप जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस भी गांव में हैं, कस्बे में, शहर में, अगर आपके यहां चुनाव नहीं है तो आप पाठशाला चलाने में मदद कीजिए, उसका डाटा जमा कराइए। मैं विश्वास दिलाता हूं, हमने अध्यक्ष जी ने चर्चा की है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब सब लोगों ने, कि हम गिनीज बुक में नाम दर्ज कराएंगे भीमारवी पाठशालाओं का, एक दिन इतनी पाठशाला एक दिन के अंदर खोल के दिखाएंगे, हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अपने माँ बाप की इज्जत क्या करो, दोबारा नहीं मिलते हैं। अपनी माँ की बात माना करो, उसको सताया मत करो।
उसका दिल मत दुखाया करो, अपने पिता की बात माना करो, अपने हीरो की। वो कभी आपको गलत रास्ते पर ले जाते, कभी उनका अपमान वर्तन होने दो, इसके बारे में सोचो कि आपकी वजह से ना हो। मैं आज देश की तमाम माओं के, तमाम बहनों के, तमाम पिताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, महान पुरुषों से, संतों से, गुरुओं से, कि वो आप सबके घर में मंगल कामनाएं रखें, आपको स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें, और आपकी परेशानियों में जब आप हल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आपकी मदद करें, आपको सही रास्ता दिखाएं। मैं आपका भाई आज के दिन, क्योंकि मैंने अपने पिता को वचन दिया था और मैं इस संकल्प को आपके सामने भी कह रहा हूं कि मैं जब तक जीऊंगा बिना किसी स्वार्थ के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दूंगा। मौत भी मुझे आ जाएगी तो वो भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी, ना मुझे कोई खरीद सकता, ना रुका हूं ना बिका हूं ना झुका हूं, ना रुकूंगा ना बिकूंगा ना झुकूंगा, जब तक सांस है तब तक ईमानदारी से अपने काम करता रहूंगा। बाकी आपसे भी अपील करता हूं कि आप व्यक्ति के साथ हैं, विचारधारा के, आप ये भी तय कर लीजिए, आप अपने महान पुरुषों का सपना तय करना, पूरा करना चाहते हैं तो वो उसमें वो सपना चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर भी आप पूरा कर सकते हैं। हम पे भरोसा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हरियाणा हम लोग इसलिए हारे कि हमारा संगठन वहां बहुत कमजोर था, उत्तर प्रदेश हम लोग इसलिए जीतेंगे उपचुनाव कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारे लोगों ने दिन रात एक की। पूरी लड़ाई संगठन के ऊपर डिपेंड करती है कि संगठन कितना मजबूत है, आपकी बात कहां तक जा रही है और उसको किस तरह से लेके जा रहा है। बूथ पे आपका मजबूत पहरेदार है नहीं जो झंडा अंडा पकड़ के रखे, जो वोट को घर से निकाल के बूथ तक लेके आए। जब तक आप पे बूथ कमेटी नहीं होगी, सेक्टर कमेटी नहीं होगी, विधानसभा आप नहीं चुनाव जीत सकते। अच्छी बात यह कि उत्तर प्रदेश की पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके, प्रदेश कमेटी ने, मंडल कमेटी ने, प्रदेश कोर कमेटी ने, डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने, विधानसभा कमेटी ने बहुत मेहनत करके अपनी अपनी कमेटियां तैयार की, इसलिए मुझे वहां भरोसा है। और उनकी इच्छा यह है कि हम देखना चाहते हैं कि हम कहां खड़े हैं, कि जब 27 में हम आमने सामने लड़ने के लिए जाएं सब पार्टियों से तो हमारी तैयारी कैसी है, जब कई कमी तैयारी में यहां दिखेगी उसको पूरा करेंगे। इसलिए वो चाहते थे कि हम बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ें और लड़के अपने आप को देखें कि हम किस स्थान पर खड़े हैं। और मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता से, इनमें भी कुंदरकी से, मीरापुर से, गाजियाबाद के साथियों से, खैर के साथियों से ये अपील करता हूं कि भाई मझवा के साथियों से, कटहरी के साथियों से, बहुजन समाज के, फूलपुर के साथियों से, कि हमारी मदद करें। देखिए हमने 8 टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए, 9 किए थे उपचुनाव में, जिनमें हमने 9 मीरापुर मुस्लिम समाज को हमने मौका दिया, कुंदरकी मुस्लिम समाज को दिया, गाजियाबाद पिछले वर्ग को हमने मौका दिया, खैर में शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि समाज को हमने मौका दिया, रिजर्व सीट है, सीसामऊ में हमने वाल्मीकि समाज को मौका दिया था लेकिन वो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, करहल में हमने वाल्मीकि समाज के साथी को मौका दिया, उन्होंने हिम्मत दिखाई कि हम लड़ेंगे तो हमने कहा ठीक है, आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज की पार्टी है, सारी जातियों को मौका मिलना चाहिए। मिल्कीपुर में हमने कोरी समाज के भाई को मौका दिया है और संगठन के साथ दिन रात मेहनत करा, अभी वहां चुनाव नहीं हो रहा है। कटहरी में हमने शेड्यूल कास्ट के जाटव समाज के व्यक्ति को मौका दिया है और मझवा में हमने मौर्य समाज को मौका दिया है, फूलपुर में हमने मुस्लिम समाज को मौका दिया है। यानी कि इन 8 में 4 प्रत्याशी शेड्यूल कास्ट के हैं, 2 रिजर्व सीटें हैं, 2 सामान्य में, 3 प्रत्याशी मुस्लिम समाज के और 2 प्रत्याशी पिछड़े समाज के। हम और मौका देते हैं, अगर और मजबूत तरीके से पिछड़े समाज के प्रत्याशी हमारे पास आते तो हम उनको भी मौका देते, क्योंकि संगठन हमारा जमीन पर बड़ा तैयार है। भारतीय मीडिया, जिसका चरित्र आप और मैं जानते हैं, वो हमें इग्नोर करेगा, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, वो आपको मुकाबले से बाहर दिखा सकता है,
वो तो आपको नगीना में मुकाबले में दिखा रहा था, आखिरी तक कहता रहा कि चंद्रशेखर तो तीसरे नंबर पे जाएंगे, चौथे पे जाएंगे, उनको 10,000 वोट मिलेंगे, 20,000 वोट, तो आपका तमाशा दिखाता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, जिस रिजल्ट आया तो आपने लट गाड़ दिए, झंडे गाड़ दिए। इसी तरह आप देखना, यहां पर भी मैं दलित समाज से, पिछड़े समाज से, मुस्लिम समाज से, किसान जातियों से, महिलाओं से, पढ़े लिखे नौजवान, बेरोजगार नौजवानों से, बहनों से अपील करता हूं, सामान्य जाति के उन परिवारों से भी जो संविधान में आस्था रखते हैं, उनसे भी अपील करता हूं कि वो आजाद समाज पार्टी को मौका दें। इससे, इस चुनाव से चुनाव ना सरकार बनेगी ना गिरेगी, लेकिन अगर आजाद समाज पार्टी के मेंबर असेंबली में गए तो आप देखना, इसी तरह जिस तरह पार्लियामेंट में मैं हक वंचित समाज की आवाज को उठाता हूं, देश के हर मुद्दे पर लड़ता हूं, वो भी इसी तरह असेंबली में आवाज उठाने का काम करेंगे, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे। रही बात झारखंड महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की टीम अच्छा काम कर रही है, झारखंड की टीम भी अच्छा काम कर रही है। मैं जल्द उनके पास पहुंचूंगा और वहां जाके उनके लिए भी अपील करूंगा। आज का दिन मेरे लिए विशेष था तो सोचा आपसे आज के दर्द को शेयर किया जाए। जो कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बना के रखिए, भीम आर्मी ने आपको हौसले दिए हैं, और मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का छोटा सा कार्यकर्ता आपके हमेशा साथ खड़ा हूं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, आप सभी के लिए मंगल कामना है। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद।